नीट का रिजल्ट आया है आज, लगभग 25 दिन के आसपास हो गया है। और बात करें अगर पिछले साल की, तो पिछले साल रिजल्ट आने के 12-13 दिन बाद काउंसलिंग चालू हो गई थी, और आज अभी लगभग 25 दिन होने के बाद भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं आया है। मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया काउंसलिंग कब से शुरू होगा, ऑल इंडिया की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, स्टेट की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो इसको लेते हुए मैंने जो भी चीज़ें देखा है मैं आप बताना चाहता हूँ कि जैसे कि रिजल्ट आए हुए 22 दिन हो गया, पिछले साल रिजल्ट आने के लगभग 12 दिन बाद काउंसलिंग शुरू हो गई थी, लगभग एक महीने बाद रिजल्ट आया था एग्ज़ाम के बाद, और उसके 12-13 दिन बाद काउंसलिंग शुरू हो गई थी। इस बार का सीन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार मान के चले कि रिजल्ट खुद 10-12 दिन लेट आया। पिछले महीने साल एक महीने में रिजल्ट आ गया था, इस बार लगभग 40-45 दिन लग गए रिजल्ट आने में लेट लगा। उसके बाद से काउंसलिंग जो 12-13 दिन बाद होने वाली थी, वो काउंसलिंग भी अब लगभग एक महीने हो गई है, और अभी तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं आया है कि कब से क्या आएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी कुछ नहीं आया है, कमिंग सून लिख रहा है। अरे NTA आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रख चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट के बाद इतना ज़्यादा रिजल्ट आने में लेट हुआ, आपसे रिक्वेस्ट है कि काउंसलिंग की कुछ लेटेस्ट अपडेट डालें। और यार IIT की काउंसलिंग होने लगी, IIT की आखिरी राउंड की आपकी अलॉटमेंट भी हो गई, बच्चे का एडमिशन भी हो गया, क्लासेस भी उनकी शुरू होने वाली है बहुत जल्द, तो IIT की क्लासेस शुरू होने लगी हैं। बाकी जितने भी एग्जाम्स हुए थे अगल बगल में सबकी लगभग काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी हैं। और ये मेडिकल में जहाँ इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, 16-17 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, इतने बड़े एग्ज़ाम को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इतने बड़े एग्ज़ाम का आप रिजल्ट अच्छे से निकाल पा रहे हैं, रिजल्ट में कहीं कहीं धांधली हो जा रही है, रिजल्ट एग्ज़ाम देने में कहीं कहीं धांधली हो जा रही है, आप अच्छे से एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड पकड़ा जा रहा है, रिजल्ट आने में इतना लेट कर रहे हैं, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग, ये तो मतलब SSC की जैसे एग्ज़ाम होती है वैसे हो गया है नीट का एग्ज़ाम, आप इतना लेट करेंगे। वो भी डॉक्टर जो फ्यूचर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जो खुद में जिनको भगवान का रूप माना जाता है, उनके लिए आप इतने नॉन सिंसियर होके आप काम कर रहे हैं। जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जल्दी से जल्दी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करें। बहुत ज़्यादा मतलब एक माहौल बन गया हॉल का कि क्या होगा, ये कैसे क्या होगा, काउंसलिंग की कब से देख आएगी, आखिर कब से, क्योंकि MBBS खुद में मैं को दिख मेरी को तो मुझे पता है कि MBBS का सिलेबस इतना वास्ट है। जैसे हम लोग का सेकेंड ईयर जो होता था वो 18 महीने का होता था, और अभी कोरोना के वजह से या जो भी वजह उसके वजह से 10 महीने का हमारा MBBS हो गया है सेकेंड ईयर, तो खुद में इतना वास्ट सिलेबस होता है, उसमें आप इतना लेट करेंगे, फिर आगे आप एग्ज़ाम 10 महीने में ही करा देंगे, 8 महीने में ही करा देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होता है, तो वो कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। तो आई रिक्वेस्ट जो भी अथॉरिटीज़ हैं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखें। हाँ लेट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखें, बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, जो टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए, थोड़ा सा हो सकता है तो गेमिंग कीजिए, फ़न कीजिए, कुछ भी कीजिए जिससे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो फ्री टाइम है वो ऐसा टाइम आपको दोबारा बहुत कम ही मिलेगा। एक बार आपका एडमिशन MBBS में हो गया तो आपको अगर सच में पढ़ना चाहो तो आपको टाइम नहीं मिलेगा किसी चीज़ का, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ घूमने जाइए, खेलने जाइए, काउंसलिंग की प्रक्रिया हम साथ में करेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, जो भी हेल्प चाहिए होगा मैं रहूँगा आपके साथ। आप जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी थोड़ा सा धीरज रखिए, मुझे पता है बहुत ही इंपेशेंस हो जाते हैं लोग, इतना लंबा शेड्यूल होता है, फिर भी आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए। ऑल द बेस्ट आपके लिए, ऑल द बेस्ट सारी चीज़ों के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखता हूँ मैं क्या डालना है मुझे, चैनल से बने रहें और वीडियो को लाइक करें, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।